दोस्तों, उज्जवल परिवार की तरफ से क्लास आप लोगों के बीच में हाजिर है भाई। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है डिलाइट सेविंग टाइम क्या है। चर्चा में बना हुआ आपका भाई डेलाइट सेविंग टाइम। पहला क्वेश्चन भाई आपका डेलाइट सेविंग टाइम चर्चा में है, यह है क्या है। सीधी सी बात करेंगे, देखिए कुछ देश इसको फॉलो करते हैं भाई। आपका जो डेलाइट सेविंग जो टाइम है जो चर्चा में, कुछ लोग इसका क्या करते हैं, जैसे गर्मी आती है कुछ देश इसको फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, घड़ियों को रीसेट करते हैं। यानी कि अगर इससे सीधी बात करें तो ऊर्जा बचाने में, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे सर्दियों में जो दिन निकलता है अपना लेट निकलता है, गर्मियों में जल्दी निकलता है, तो जो वो जो दिन का जो समय में जो एरर है उसके लिए घड़ियों को क्या जाता है, कुछ देश फॉलो करते हैं इसको, रीसेट करते हैं, और रीसेट करके ऊर्जा बचाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर है। तो यहां पर हम बात करेंगे पहले ये है क्या भाई। ठीक है, तो आपका क्या, इसमें क्या किया जाता है, तो घड़ियों का टाइमिंग सेट किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, घड़ियों को रीसेट करना शामिल है इसमें। क्या भाई आपकी घड़ियों का जो टाइमिंग है, इसको क्या किया जाता है, रीसेट किया जाता है। घड़ियों के टाइम को क्या किया जाता है, रीसेट किया जाता है। ध्यान रखेंगे भाई, 1 घंटा आगे पीछे किया जाता है या 2 घंटा आगे पीछे किया जाता है वो भी बताऊंगा आप लोगों को। तो इसमें घड़ियों को ग्रीष्म काल, दूसरा इसको जो डेलाइट जो आपका है डेलाइट सेविंग है, इसे क्या कहते हैं, ग्रीष्म काल। कुछ देश ग्रीष्म काल के रूप में भी जानते हैं इसे, ग्रीष्म काल के रूप में भी जाना जाता है। सीधा सा पूछेंगे किस काल में जाना है, किस रूप में जाना जाता है, तो ग्रीष्म काल के रूप में भी इसे जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, तो ग्रीष्म काल भी इसको कह सकते हैं। यानी कि गर्मियों के समय में जो घड़ियों को रीसेट की प्रक्रिया है उसे का संबंध इससे डेलाइटिंग से संबंध है। बहुत से देश इसको फॉलो कर रहे हैं। ऊर्जा बचा, उद्देश्य क्या है, ऊर्जा बचाने के लिए एक तंत्र है कह सकते हैं, उद्देश्य भाई। तो ऊर्जा बचाने बचाने के लिए एक तंत्र है आप कह सकते हैं, या एक सिस्टम है, ऊर्जा बचाने के लिए एक सिस्टम है कि किस प्रकार से हम ऊर्जा को सेव करेंगे। ठीक है, ओके। डेलाइटिंग सेविंग डीएसटी बसंत ऋतु के दौरान आता है, डीएसटी के नाम से इसको जाना जाता है। और कब आता है आपका, ये बसंत ऋतु यानी कि जब सर्दी जाती है और गर्मी जब स्टार्ट होने वाली होती है, तो बसंत ऋतु के दौरान आमतौर पर जो घड़ियों को 1 घंटे का क्या किया जाता है, आगे बढ़ाने का अभ्यास होता है, 1 आवर या 1 घंटे आगे बढ़ाया जाता है। घड़ियों का टाइमिंग को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है, ताकि उस ऊर्जा को बचाया जा सके, काम ज्यादा किया किया जाए, वो सारी की सारी बातें आपकी यहां पर होती हैं। ठीक है भाई, चलिए अगली बात करते हैं। कुछ देश क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, सर्द ऋतु में 1 घंटे पीछे, जब गर्मी में 1 घंटे क्या करते हैं, आगे करते हैं। सर्दी में यानी कि शीत ऋतु में अगर हम बात करें, तो शीत ऋतु के अंदर क्या होता है भाई, इसे 1 घंटा पीछे किया जाता है कह सकते हैं। क्या किया जाता है, पीछे किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 घंटा क्या किया जाता है, इसे पीछे किया जाता है, समझ गए भाई। शीत ऋतु में 1 घंटा पीछे किया जाता है, ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। और वर्ष में 2 बार घड़ियों का टाइम बदली होता है, इस सिस्टम के अनुसार क्या होता है, वर्ष में दो बार घड़ियों का जो टाइमिंग है, घड़ियों का जो टाइमिंग है वो क्या किया जाता है, 2 बार घड़ियों का टाइमिंग सेट किया जाता है या टाइम बदला जाता है। सीधा पूछ लेगा इस सिस्टम के तहत कितनी बार घड़ियों का टाइम बदला जाता है, तो 2 बार घड़ियों का टाइम बदला जाता भी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आमतौर पे इस क्वेश्चन को आप इस समझ समझ सकते हैं, जब दिन में गर्मियों में क्या होते हैं, दिन बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 घंटा काम करना, और उस दौरान क्या होता है कि मान लिया दिन आपका 10 घंटे का होता है, गर्मी में मान लो वही दिन आपका 14 घंटे का है, तो 8 घंटे हम काम कर रहे हैं तो 6 घंटे हमारे वेस्ट जाते हैं। उस समय सर्दी में 2 घंटे जा रहे हैं, गर्मी में आपके 6 जा रही हैं, तो उन जो बचे हुए 4 घंटे, उन 4 घंटों का क्या करना, उन 4 घंटों का यूटिलाइज करना एक किस्म से आप कह सकते हैं। तो ये यहां पर उद्देश्य रहा है। ठीक है, चलो उजाले का एक अतिरिक्त घंटा होगा काम करने के लिए, क्या होगा, जो आपके 4 घंटे मैंने फॉर एग्जाम्पल किया, तो इनके अनुसार जब 1 घंटा आगे करें तो 1 घंटा जो आपका दिन का बढ़ जाएगा भाई, यानी कि जो काम करने की जो क्षमता है 1 घंटा और हम फालतू काम कर सकते हैं दिन के उजाले में। ठीक है भाई,
समझ गए आप लोग। चलिए अगली बात करते हैं, इसको लगभग कितने देश, 70 जो देश हैं वर्ष में फॉलो करते हैं, 70 देश इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कुछ देशों ने इसको छोड़ भी दिया। कितने देश? 70 देश इसको करते हैं। अमेरिका राज्य में 2 राज्यों को छोड़कर सभी करते हैं। तो यहां पर अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए के अंदर राज्य 50 हैं जिसमें से 2 को छोड़ देते हैं, तो 48 जो राज्य हैं वो इस पर काम करते हैं। 48 राज्य डेलाइट, जो आपका डेलाइट सेविंग टाइम है उसके ऊपर ये इस तरीके से अभ्यास करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसके अंदर हम आते हैं आपकी समय को बचाने के लिए, समय जो बढ़ा है आपका दिन का, लाइट का जो समय बढ़ा, उस समय को क्या करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए आपका डे लाइट सेविंग टाइमिंग चर्चा में है, क्योंकि अभी आपकी बसंत ऋतु चल रही है। ये भी आपका क्वेश्चन बनता। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। अभी फरवरी में अगला क्वेश्चन, अभी देखो शानदार क्वेश्चन है आपका। अभी हाल ही में किस देश ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी के, जो कि चर्चा, क्या भाई ब्याज जो दर है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी करी है, किसके द्वारा बढ़ोतरी करी की बात करें, किसके द्वारा बढ़ोतरी करी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी करी है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी करी है किस देश के द्वारा भाई, किसके द्वारा, किसके द्वारा बढ़ोतरी की गई है, यह भी शानदार आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जो कि चर्चा का विषय है। सीधी सी बात करें भाई आपका, तो यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कह सकते हो आप, अमेरिका ने अभी हाल ही में ब्याज दरों में क्या करी भाई, बढ़ोतरी करी है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए 2018 में पहली बार बढ़ोतरी में 55 आधार अंकों की वृद्धि की थी 2018 में भी। 2018 में यूएसए ने क्या किया था, 2018 के अंदर यूएसए ने बढ़ोतरी करी थी भाई। एक बार माफी चाहूंगा भाई, कुछ समस्या है, एक सेकंड के लिए आपकी क्लास रोकनी पड़ेगी मुझे। चलिए भाई, तो हम बात कर रहे थे ब्याज दरों में बढ़ोतरी किसने करी अपनी, तो यूएसए के द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई थी 2018 में। यूएसए ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि करी थी। कितने भाई, 25 जो अंक है, आधार अंकों की वृद्धि करी गई। ठीक है, 2018 में। और फरवरी में अमेरिका ने मुद्रा स्फीति कितनी पहुंच गई थी, फेड की अगर हम बात करें, मुद्रा स्फीति जो थी फरवरी में, यह मुद्रा जो स्फीति की जो दर थी, मुद्रा स्फीति यानी कि आपको पता है स्फीति क्या, मुद्रा स्फीति की दर जितनी बढ़ेगी देश की अर्थव्यवस्था उतनी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, 7.9% तक पहुंच गई थी, जो कि 40 वर्षों में सबसे अधिक थी भाई, 40 वर्षों में सबसे अधिक थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी वृद्धि के कारण क्या, इसके ऊपर मुद्रा स्फीति का दबाव था, और इस दबाव के चलते इसने क्या किया, अभी भी ब्याज दरों में क्या करिए, वृद्धि करिए, ध्यान रखिए कितनी वृद्धि करिए, ये आपके बीच में है। चलिए भाई, यहां पर जब हम बात पैसे की लेन देन की करते हैं, तो थोड़ी सी इसकी आरबीआई की भी हम यहां पर बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की भी बात करेंगे। यहां पर ब्याज दरों में जो वृद्धि करी किसने, अमेरिका ने करी है। ठीक है, जो चर्चा का विषय, 2018 बीच ने क्या 25 अंकों तक पहुंच गई थी भैया आपकी, और बात पहली बढ़ोतरी में अमेरिका फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 2018 में, सॉरी माफी चाहूंगा, 2018 के बाद है, सॉरी 2018 के बाद, यानी कि 2018 में इसने क्या था, क्या वृद्धि करी थी, और अब कितनी कर दी इसने, 25 आधार अंकों में इसने वृद्धि कर दी है ब्याज दरों में। तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आरबीआई की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक ने उदार रुख अपने, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया, उदार रुख, अगर हम बोले उदार रुख, यानी कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसने कोई वृद्धि नहीं करी है, इसने ब्याज को बढ़ाया नहीं है, ब्याज को क्या नहीं किया, ब्याज को बढ़ाया नहीं है। ये भी आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ब्याज को बढ़ाया नहीं है, ये भी आप समझ सकते हैं। आरबीआई की अगर हम बात करते हैं, फरवरी में भारतीय जो कि मुद्रा स्फीति कितनी बढ़ी थी, फरवरी में अगर हम भारतीय मुद्रा स्फीति 2022 की बात करें तो 6.07% तक बढ़ी थी, और महंगाई दर कितनी थी भाई, महंगाई दर की अगर हम भारत की बात करें, आरबीआई की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, सीधी सी बात करें तो मुद्रा स्फीति हो गई आपकी, उसके बाद महंगाई दर जो थी आपकी वो कितनी थी, 6.01 थी जनवरी में, खुदरा महंगाई दर, ये फरवरी में, ये जनवरी में आपकी, जनवरी के अंदर। ठीक है, और इस प्रकार दूसरा महीना भी क्या रहा अपना, रिजर्व बैंक ऊपरी सीमा 6 को पार कर लिया था, 6% जब पार हो गए फिर भी ये इसने ब्याज दर को क्या रखा, उधार रखा है, इसने बढ़ाया नहीं है भाई, ये भी हमारे लिए अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है।
आरबीआई की अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी, देखो आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से बहुत मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं आरबीआई को अगर हम बात यहाँ पर अगर आरबीआई की लेकर के बात करते हैं तो सबसे पहले तो बता दूं आप लोगों को आरबीआई बैंकों के बैंक के नाम से किसको जाना जाता है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है भाई बैंकों का बैंक। सीधी सी बात करते हैं, इसके 8-10 क्वेश्चन बनते हैं जो कि रिपीटेशन में रहते हैं हमेशा। 8-10 क्वेश्चन कौन से, बैंकों का बैंक। आरबीआई की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना इसकी 1935 के अंदर स्थापना हुई थी। यहां पूछ लिया जाता है, काफी बार पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम के तहत होता है, तो आरबीआई अधिनियम आपका अधिनियम 1934 के तहत इसकी क्या, सॉरी 1934 के तहत इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ये भी आप लोग अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का बन जाता है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं किस समिति की सिफारिश पर, तो यंग हिल्टन जो समिति है, हिल्टन यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर, ये यंग हिल्टन समिति की सिफारिश, यंग हिल्टन नाम के एक व्यक्ति थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति थी, उसने इसकी सिफारिश करी थी। कब भाई, 1926 के अंदर उसने सिफारिश करी थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता। अब अगर समिति का नाम पूछ ले, आप पूछ लिया था, पूछ लिया जाएगा कब सिफारिश करी थी या किसके द्वारा, तो यंग हिल्टन समिति के द्वारा 1926 में इसकी सिफारिश की गई थी, किसके, आरबीआई की। आरबीआई की बात करते हैं तो देश आजाद होने के बाद 1947 में आपका देश आजाद हुआ। यहाँ पे एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आता है, आज मैं कुछ क्लास पढ़ा रहा था, उस क्लास में पूछ बेटा कि भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, तो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जाता। तो 26 जो आपकी जनवरी है, 26 जनवरी 1930 में भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था, कैसे मनाया गया था, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं कि 1947 के बाद बैंक आरबीआई का क्या किया गया, यानी कि भारत सरकार के अंदर लिया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। कब भाई, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर एक और पूछा जाता है कि एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो हमने बात करी ब्याज दरों को किसने, यूएसए ने बढ़ाया। 2018 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 25 आधार अंकों को यहाँ पर बढ़ा दिया। उसके साथ ही हमने बात करी कि यहाँ पर इसके ऊपर क्या था, दबाव था, मुद्रास्फीति की जो दर बढ़ रही थी उसका दबाव था। यहाँ पर भारत के ऊपर भी दबाव रहा है, लेकिन भारत ने जो आरबीआई ने इसको थोड़ा सा आराम से रूप को नर्म ही रखा है, ज्यादा इसको लिया नहीं, जबकि 6 का आंकड़ा पार कर गया था, जो कि बहुत होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपका शानदार क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको आगे आने वाले समय में आपके बीच में घूमेगा भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है आपका। अभी हाल ही में आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा कि चीन में दोबारा से भाई आपका कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये आप लोग सुनकर के चिंतित होंगे, आप हैं या नहीं है, लेकिन मुझे, मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात को लेकर के। एक तरफ जो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, दूसरी तरफ इस प्रकार से जो बातें हो रही हैं सारी के सारी भाई आपके सामने हैं। इसी को लेकर के बात करेंगे, भारत में कितने लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है, भारत में कितने लोगों का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है या कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है कोरोना वैक्सीन, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है आपका, पूछ लिया जाएगा कि कितना आंकड़ा पार कर चुका है भारत का। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे बात करते हैं, भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा कितना पहुंच चुका भाई, लगभग क्योंकि चल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 भाई, भारत में कोविड जो टीकाकरण है, भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा, भारत में कोविड जो टीकाकरण है, टीकाकरण का आंकड़ा कितना हुआ है या कितना पहुंचा है, यानी कि कितने लोगों को लगी है। अच्छा, डेट नहीं लिखी है शुरू में, है ना, 21 मार्च 2022 है। चलिए यहां पर बात देखिए, सबसे पहले तो COVID-19 की बात करें, COVID-19 को लेकर के तो सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है कि COVID-19 फैला कहां से था, तो आपका चीन से फैला था। कहां से फैला था भाई, चीन से फैला था। देश आमतौर पे बता दिया जाता है चीन के द्वारा, जगह पूछी जाए तो लोग बोलते हैं वुहान, तो उसको जगह ना पूछ करके सीधा पूछेगा स्टेट की अगर हम बात करें तो हुबई जो प्रांत था वहां से फैला था। और अब चर्चा में दोबारा से चर्चा में क्यों है कि अब फिर वहां पर जो आंकड़ा है वापस कोविड जो आपका है फैल रहा है, वापस आंकड़ा ये आपका बढ़ रहा है भाई। ठीक है, चलिए
वुहान सिटी से पहले का ध्यान रखेंगे, ये आपकी सबसे बड़ी कह सकते हैं समुद्री जो मार्केट है, कह सकते हैं कौन सी वुहान के अंदर समुद्री मार्केट यानी कि सी फूड की, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट भी कह सकते हैं, सी फूड की बड़ी मार्केट है। सी फूड के अंदर अगर हम बात करें, सी फूड में क्या जाएगा आपका भाई, जो भी मतलब समुद्र के अंदर जो जीव है जिन्हें हम खाते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, और वैसे भी चाइनीज तो सब कुछ खाते हैं छोड़ करके टेबल कुर्सी को, है ना, चार पैर की हो चाहे दो पैर की हो, चाहे नीचे रेंगने वाले, चाहे सांप हो, चाहे कबूतर हो, चाहे खरगोश हो, उनके सब चलता भाई, है ना, ठीक है। चलिए, तो सी फूड की सबसे बड़ी मार्केट है, वहां से इसके आसार बताए गए थे। और भारत की बात कर लेते हैं, देखिए भारत में अगर मैं कोविड की बात करूं तो 180 करोड़ जो टीकाकरण लोगों को हो चुका है, 180 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है कोविड 19 का टीकाकरण, कितने लोगों को हो चुका अभी आपका, अगर कोविड 19 की अगर हम बात करें तो 180 करोड़ जो लोग हैं उनका यह टीकाकरण हो चुका है, ये भी शानदार आपका क्वेश्चन बन जाएगा। साथ ही बात करें, अब से 12 से 14 साल के, 12 से अब बच्चों के लिए भी टीका आ गया अभी, 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके कितने टीकाकरण, तो लगभग 8 लाख, डेट नोट कर लेना, 21 मार्च तक की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है आज ही बढ़ जाए, 20 मार्च तक की बात हो रही है, तो 8 लाख बच्चों को टीका भी लगवाया जा चुका है, और वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़ा सुंदर आंकड़ा भारत ने यहां पर किया है, जबकि 15 से 18 वर्ष के 5 करोड़ लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है, 12 से 14 कितना हो गया आपका 8 लाख, और 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं या कह सकते हैं इनको हम युवक भी, नव युवक भी कह सकते हैं, तो ये कितने भी 5 करोड़ जो लोग हैं इतने लोगों को ये टीका लगाया जा चुका है, टीकाकरण वैक्सीनेशन हो चुका, बड़ा सुंदर आंकड़ा है। यहां पर हम बात करें टीकाकरण के लिए पंजीकरण जो आपका होता है, तो आरोग्य ऐप जो सेतु ऐप है, देखिए टीकाकरण की बात करें, टीकाकरण के लिए क्या कर सकते हैं हम, टीकाकरण के लिए जो पंजीकृत किए जाते हैं, तो आरोग्य सेतु जो ऐप है, इस ऐप पर टीकाकरण के लिए क्या किया जा सकता है, पंजीकरण किया जा सकता है, यानी कि आप ऑनलाइन जाइए, ऐप खोलिए आरोग्य सेतु ऐप, और वहां पर आप टीके का क्या करिए, पंजीकरण करिए, आपको टीका लग जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत के अंदर अगर हम बात करें, भारत बायोटेक द्वारा निर्मित सरकारी समर्थित टीका कौन सा है, तो कह सकते हैं कोवैक्सीन जो टीका है, भारत निर्मित द्वारा सरकारी समर्थित, भारत सरकार के द्वारा समर्थन किसको प्राप्त है, तो कोवैक्सीन को। साथ ही यहां पर बात करें, भारत के अंदर जो निर्धारित समर्थित यानी कि भारत में कितने नौ टीकों को क्या कर रखा है, पास कर रखा है कि भाई 9 प्रकार की वैक्सीन भारत में लगाई जा सकती है कोविड को लेकर के, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। कोविशील्ड भी आपकी इसमें, जैसे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पूतनिक है, और भी बहुत सारी आपकी यहाँ पर 9 टीकों का मैंने जिक्र किया जिनको सर्टिफाइड किया गया है, जिनके बारे में बताया गया कि ये टीके यहाँ पर लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपका शानदार क्वेश्चन है भाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है आपका कि अभी चर्चा में रहे आपके विवेक अग्निहोत्री, चर्चा में रहे कौन रहे, विवेक अग्निहोत्री साहब चर्चा में रहे हैं, चर्चा में ये कौन है भाई, ये कौन है, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। तो विवेक अग्निहोत्री साहब की अगर मैं बात करूं चर्चा में, तो सबसे पहले तो बता दूं भाई ये फिल्म निर्देशक है, क्या है, फिल्म निर्देशक है, ध्यान रखेंगे, निर्देशक है, फिल्म निर्देशक। दूसरी बात करते हैं, देखिए ओहो शायद ये करा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट और लगेंगे मैं फिर रिपीटेशन में आ जाए, कोई बात नहीं। फिल्म निर्देशक है आपके, और इन्होंने द कश्मीर फाइल करके क्या फिल्म बनाई है, ठीक है, फिल्म बनाई है, जबरदस्त फिल्म बनी है इनकी, 1 वीक के अंदर इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, और ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है भाई फिल्म। साथ में कह सकते हैं किससे संबंधित है, कश्मीरी जो पंडित हैं, पंडितों को लेकर के ये फिल्म बनाई है, पंडितों से संबंधित है, किस प्रकार से आपके 1,40,000 पंडित जो पंडित थे इन्हें J&K से बाहर भगा दिया, और विडंबना देखो कि अपने ही देश में विस्थापितों की जिंदगी जी इतने लोगों ने, आज उनका दर्द छलक रहा है, इस फिल्म के ऊपर ऑब्जेक्शन भी हो रहे हैं, कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, एक विशेष समुदाय
तो वो बोल रहा है सीधी सी बात करूं कि हमने इनको नहीं निकाला, खामखा का प्रोपेगंडा है, लेकिन कुछ लोग रो रहे हैं जब मीडिया के कैमरे के सामने फिल्म को देख करके रो रहे हैं, इसका मतलब उनके साथ कुछ हुआ है जो कि बहुत गलत हुआ है। यहां पर अनुपम खेर और साथ में आपके मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती साहब इसके अंदर क्या है, हीरो कह सकते हो आप इसमें, मतलब एक कलाकार की भूमिका निभा रहे हैं, वो भी इस बात को मान रहे कि हमने ये जो दर्द जिया है, हमें पता था हम तो ये एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने किस प्रकार से ये दर्द जिया होगा। बोला गया था बहन बेटियों को छोड़ दो, कश्मीरी पंडित पंडितों कश्मीर छोड़ दो, बहन बेटी छोड़ दो, कश्मीर पंडित कश्मीर छोड़ दो, मतलब कश्मीर तो छोड़ो छोड़ो साथ में बहन बेटियों को छोड़ो, इतना अत्याचार, घोर अत्याचार, साथ में महिलाओं का किया गया है, महिलाओं का यौन शोषण किया गया है, मार काट यहां पर हुई है, लगभग 300 के आसपास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, माना गया था हरियाणा गृह मंत्रालय ने भी इस बात की रिपोर्ट करी थी, 289 कुछ ऐसे समथिंग था भाई, इतनी लोगों की यहां पर हत्या करी गई है, लेकिन विस्थापित तो लोगों की 140,000 से ज्यादा पंडित जो लोग थे जिन्होंने अपने बागानों के सुंदर सुंदर सेब, अपनी जन्मभूमि, अरे जन्मभूमि तो जन्मभूमि ही है, चाहे वो कैसी भी हो भाई, चाहे वो क्या राजस्थान में जो लोग रेगिस्तान के अंदर रह रहे हैं उन्हें अपनी जन्मभूमि से प्रेम नहीं है, है भाई मर जाएंगे लेकिन अपनी जन्मभूमि को कोई नहीं छोड़ता। अरे माँ, वो एक डायलॉग था बॉर्डर फिल्म का, मुझे याद आ गया, माँ अगर बदसूरत हो तो क्या माँ नहीं होती, अगर क्या माँ बदसूरत है तो क्या वो माँ नहीं होती, क्या वो अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती, क्या बच्चा अपनी माँ से प्रेम नहीं करेगा, और माँ जिसके आगे लग गया धरती माँ, तो माँ कभी बदसूरत हो ही नहीं सकती भाई, ठीक है। तो इस जननी जन्मभूमि को छोड़ करके ये लोग निकले हैं, ये विवेक अग्निहोत्री आपके फिल्म निर्देशक है, ये चर्चा में है, खुली चर्चा में है भाई, ठीक है। चलिए शानदार क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ये भी आप लोगों के लिए द कश्मीर फाइल की बात यहां पर मैंने करी है, ये भी आपका क्या रहा है, चर्चा में रहा है, ध्यान रखेंगे भाई इसको भी, ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन में ये आपका। चलिए अभी हाल ही में यूक्रेन को बिजली ग्रिड से जोड़ा गया, कौन सी बिजली ग्रिड से जोड़ा गया, क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5, यूक्रेन आपको पता है यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, किसका भी, रूस का, तो रूस ने क्या किया, उसकी बिजली लाइन को क्या कर दिया, खराब कर दिया, तो यूक्रेन को किस बिजली ग्रिड से जोड़ा गया है, वो किस बिजली ग्रिड से जोड़ा गया, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, जोड़ा गया है, ये बात यहां पर निकल करके आएगी, यानी कि यूक्रेन को किस बिजली ग्रिड से जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे, तो यहां पर बात आ रही है आपकी यूरोपीय बिजली ग्रिड से जोड़ा गया, किस ग्रिड से, यूरोपीय बिजली ग्रिड से इसको जोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओके, भारत यूरोप बिजली ग्रिड से जोड़ा गया, इसे यूक्रेन की रूस पर निर्भरता क्या होगी भाई, अब क्या होगा, पहले किसके साथ कनेक्शन था बिजली को लेकर, किसका, रूस के साथ संबंध, अब युद्ध चल रहा है, अब इसकी बिजली की पूर्ति कौन करेगा, यूरोप के देश करेंगे बिजली की पूर्ति, तो अब रूस की जरूरत नहीं रहेगी, रूस पर जो निर्भरता है कम हो जाएगी, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेगा कोई कि रूस की निर्भरता से हटकर यूक्रेन के अंदर बिजली की आपूर्ति किसने करी, तो यूरोपियन जो बिजली ग्रिड है इसने करी भाई, यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखना होगा, ठीक है आपका, तो यूरोपियन नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर्स की घोषणा के अनुसार, ये घोषणा किसने करी आपकी, तो ये आपकी ENTSO के द्वारा घोषणा हुई है, ये घोषणा किसने करी है, इन्होंने करी है, यूक्रेन को मोल्डोवा के बिजली ग्रिड के परीक्षण के आधार पर यूरोपियन पावर सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, तो यूक्रेन किसके साथ भी, मोल्डोवा ट्रायल किया था, तो मोल्डोवा के साथ जो बिजली ग्रिड उसके साथ इसको जोड़ दिया गया है, और रूस की जो बिजली के ऊपर इसकी जो आत्मनिर्भरता थी उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। 2014 के घटनाक्रम में, 2014 में क्रीमिया पर किसने, रूस ने कब्जा किया था, तब ग्रिड सिंक्रोनाइज की तैयारी चल रही थी, लेकिन 2022 के आक्रमण के बाद ये भैया आपका तुरंत प्रशिक्षण किया और इसी सफलतापूर्वक इसको कर भी लिया गया है, ये ध्यान रखेंगे, तो क्रीमिया पर जब कब्जा किया था तब भी ये मुद्दा उठा था, क्रीमिया पर कब्जा किया था कब, 2014 के अंदर, ठीक है, ओके। अब आपका ये क्या है ENTSO, ये क्या है आपका, तो देखेंगे, देखिए ENTSO क्या हो जाता है आपका, इसको अगर हम पढ़ते हैं, ये यूरोपियन नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन साथ में कह सकते हैं सिस्टम ऑपरेटर्स यूरोपियन नेटवर्क
ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर इसको बोल सकते हैं। फिर वो लोग नोट करेंगे, यूरोपियन नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर, ठीक है, सिस्टम ऑपरेटर ये आपका है। इसको लेकर के हम बात करते हैं, जो ये आपका ये पूरी यूरोप के लगभग 35 देशों को 39 बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर्स को प्रतिनिधित्व करता है। तो यूरोप के कितने देशों को देता भाई ये बिजली, यूरोप के ये जो बिजली का काम है यूरोप के 35 जो देश हैं उन्हें देता है, और साथ में उन 39 देशों के 35 देश के 39 जो आपके बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर्स हैं TSO जिनको बोलते हैं, TSOs बिजली जो ट्रांसमिशन है उनका प्रतिनिधित्व करता। प्रतिनिधित्व का मतलब यहां पर यह है कि उनको बिजली देता है। सीधी सी बात करें, यूरोपियन आपका जो नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन जो सिस्टम ऑपरेटर है ये आपको क्या करता है, यूरोप के 35 देशों के 39 जो आपके बिजली TSO हैं उनको ये बिजली सप्लाई करता। और अब किसको करेगा ये आपका, ये आपके बीच में है, इसका मुख्यालय ENTSO के हेडक्वार्टर है। ENTSO का जो हेडक्वार्टर है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये कहां पर है, ब्रुसेल्स के अंदर है, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में मुझे याद आता है नाटो का जो हेडक्वार्टर है, नाटो का हेडक्वार्टर भी कहां पर आपका, ब्रुसेल्स के अंदर है, ध्यान रखेंगे बेल्जियम में, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिक ग्रिड संचालित करता है, साथ में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड है आपका, इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड है, पावर जो ग्रिड है आपका यही है, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड भी आपका कौन सा है, यही है जो ब्रुसेल्स के अंदर है। इसे स्थापित कब किया गया था, इसकी अगर हम स्थापना की बात करें, देखिए यहां पे लिखा हुआ है इसकी ENTS जो आपका है, ये जो रहेगा आपके बीच में ENTSO, स्थापना इसकी 2009 में स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। इसको स्थापना कब हुई, 2009 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है। फिर बता रहा हूं भाई, यूक्रेन वार चल रहा है, आज 25वां दिन है, 25वां 26वां दिन है कह सकते हैं। इस वार के अंदर क्या हो रहा है, रूस के ऊपर निर्धारित था, अब जो पावर ग्रिड कट चुका था उस पर कब्जा कर लिया था रूस ने, अब यूरोपियन के जो देश है पावर ग्रिड जो आपका है, ये जो आपका ENTSO है ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा ये यूरोप के 35 देशों के 39 जो पावर ग्रिड है। और दुनिया की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स नाटो का हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ है, वहीं है। और 2009 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, ठीक है। यूक्रेन और मोल्डोवा एक विद्युत प्रणाली का हिस्सा थे, रूस और बेलारूस भी शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन ये भी आप लोगों के बीच में पहुंच रहा है, इसके ऊपर एक बार मैं रफ करूंगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी हाल ही में हाइड्रोजन गाड़ी का एक प्रशिक्षण हुआ है, उसके ऊपर भी आपकी बात होने वाली है, ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार लॉन्च की गई है, कौन सी कार लॉन्च की गई है, नंबर 6 में आपका, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार लॉन्च हुई है, उसके ऊपर बात हो रही है आपकी, ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार है, हाइड्रोजन फ्यूल कार है भाई, फ्यूल कार चर्चा में है क्यों, चलिए बात करेंगे। देखिए हम यहां पर देश को प्रदूषण, दुनिया को प्रदूषण से बचाने के लिए, भारत को कार्बन मुक्त बनाने के लिए, ठीक है, जो कि हमने टारगेट रखा उस दिशा में एक कदम है, और इस कदम के अंदर एक कार लॉन्च हुई है आपकी, हाइड्रोजन फ्यूल कार लॉन्च हुई है, कौन सी भैया आपकी, ये सेल कार टोयोटा, आपकी सेल कार कह सकते हो आप, टोयोटा मिराई, मिराई इसका नाम कह सकते हो आप, सेल कार टोयोटा मिराई,
ठीक है। स्ट्रोटा मिराई है जो कार आपकी पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार है, इसको कहां पर भेजी? 16 मार्च को, 16 मार्च को यानी कि ठीक होली से एक दिन पहले इसका क्या किया है, दिल्ली के अंदर प्रशिक्षण किया गया। कहां पर किया गया, किसके द्वारा? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, जो आपके केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है भाई। और नितिन गडकरी इंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए पायलट योजना का उद्घाटन किया। इन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया भाई, उद्घाटन किसका? इस कार गिरे का, खुद थे ये वहां पे प्रेजेंट परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब जो हैं आपके, नितिन गडकरी। जैसे रोड पे गाड़ी चलती गड़गड़ की आवाज होती है, तो याद रखना गड़गड़ से गडकरी साहब जो हैं, इन्होंने क्या किया है, इस परियोजना का उद्घाटन किया है। उद्घाटन कब किया है तो आपके बीच में है, उद्घाटन किया है कब? 16 को भी। क्या कह सकते हैं? FCEV इसको बोल सकते हैं आप, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना को लॉन्च किया है। व्हीकल जो आपकी है, इस योजना को क्या किया है? लॉन्च किया है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। ये भी देखने लायक क्वेश्चन रहेगा आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका, 2022 में पूछा जाएगा भाई आपसे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो टोयोटा प्रोजेक्ट, अगर पूछे किसके द्वारा, तो जैसा कि नाम ही लिखा गया है, टोयोटा किलोस्कर प्राइवेट मोटर लिमिटेड, किलोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया है। क्या हो जाएगा आपका? टोयोटा किलोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने कार बनाई है, हाइड्रोजन से चलने वाली कार बनाई है, ठीक है। टोयोटा इंटरनेशनल इस परियोजना को फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी काम करेगी इसके अंदर? आईसीईटी इसके अंदर काम करेगी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जो है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, वो क्या है? टोयोटा की टेक्नोलॉजी रहने वाली के साथ काम करेगी, टोयोटा इंटरनेशनल सेंटर फॉर परियोजना, ठीक है। चलिए साथ में बात करते हैं, टोयोटा मिराई को कब लॉन्च किया गया था? जो टोयोटा मिराई है आपकी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोयोटा जो मिराई गाड़ी है आपकी, मिराई कब लॉन्च करी थी? 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, और ये दुनिया की पहले हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक है, यानी कि भारत की पहली हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक वाहन कह सकते हो आप इसको, हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक है। ये भी आपके शानदार क्वेश्चन है। एक बार चार्ज करने पे कितना चलेगी भैया आपकी? 650 किलोमीटर चलेगी, और साथ में मात्र केवल 5 मिनट में क्या हो जाएगी, इसके अंदर ईंधन भरा जा सकता है। ईंधन की बात करें तो 5 मिनट में इसमें ईंधन भरा जा सकता है, यानी कि 5 मिनट में ईंधन भर करके 650 किलोमीटर तक टोयोटा मिराई जो है ये सफर कर जाएगी, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो वो भी हरित हाइड्रोजन की क्षमता का दोहन करने के लिए FCEV तकनीकी पेश की गई है। वो जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये जो तकनीकी आपकी FCEV, तो ये क्या करेगी, ग्रीन शब्द का यहां पर मैं बात करूं तो पर्यावरण के अनुकूल रहे। सतत विकास लक्ष्य की यहां पर बात आ जाती है। देखिए सतत विकास लक्ष्य
विकास लक्ष्य भी हम ग्रीन एनर्जी के तहत साथ ही करने वाले हैं। विकास लक्ष्य कब रखे गए थे, तो 2015 से लेकर के और 2030 तक आपके सतत विकास लक्ष्य हैं, और लक्ष्यों की बात करें तो कितना है, 17 लक्ष्य आपके यहाँ पर है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन रहेगा। देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली किसका क्या किया गया, दिल्ली के अंदर प्रशिक्षण किया गया, ध्यान रखेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की हमने यहाँ पर बात कर ली है, फ्यूल की हमने यहाँ पर बात कर ली है, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, जो कि आपको काम आने वाला है। अभी हाल ही में आज आपका 21 तारीख है, 20 तारीख को भाई 20 मार्च जो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 20 मार्च को, यानी कि 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया। शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया गया, यानी कि वैश्विक खुशहाली दिवस के तौर पर मनाया गया इसको, कब, 20 मार्च को मनाया गया है, ध्यान रखेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपका, यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आई है। अभी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में स्थान कौन सा आपका भारत का, तो ये आपका 136वां स्थान है, 136वां स्थान है। कुछ सुधार हुआ है, पहले कितना था, 139वां स्थान था। पहले नंबर पर कौन है भैया आपके, फिनलैंड है, फिनलैंड पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन आपके, डेनमार्क का है, डेनमार्क है भाई दूसरे नंबर पे। साथ ही हम बात करें तीसरे पे स्विट्जरलैंड हो जाएगा भाई आपका। अंतिम नंबर पे कौन है, अंतिम पे तो अफगानिस्तान है भाई, अफगानिस्तान आपके अंतिम नंबर पे है। साथ ही हम बात करें तो अंतिम नंबर कौन सा, 146 प्रथम नंबर, सेकंड नंबर भारत 136, पहले 139वें नंबर पे था। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूएनओ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। पहली रिपोर्ट में कि अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में, तो पहली रिपोर्ट में, इससे पहले वाली रिपोर्ट में 139वें नंबर पे भारत था, ठीक है। 145 नंबर पे आपका जिम्बाब्वे हो जाएगा भाई, जिम्बाब्वे हो जाएगा। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो आपका क्या, चीन जो है आपका कौन से नंबर पर है, चीन आपका 72 नंबर पे, तो बांग्लादेश भी, बांग्लादेश है। चीन आपका 94 नंबर पर है, 94 नंबर पर है बांग्लादेश। यानी कि कितने लोग खुश हैं, बांग्लादेश वाले भी हमसे ज्यादा खुश है भाई, चीन भी हमसे ज्यादा खुश है ना, ठीक है। और हद तो अब हो गई भैया ना, पाकिस्तान वाले भी हमसे खुश है, 121 नंबर पर पाकिस्तान भाई आपका खुशहाली की अगर हम बात करते हैं तो ये है। 20 तारीख को एक और दिवस मनाया गया आपका, कौन सा मनाया गया, गोरैया दिवस। गोरैया जो दिवस है ये भी आपका 20 मार्च को मनाया गया है, ध्यान रखेंगे। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया आपका, गोरैया दिवस। यह क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया गया है, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। गोरैया दिवस आपका 20 मार्च है, 20 मार्च। और इस बार की थीम क्या थी, आई लव स्पैरो, मेरा प्यार चिड़िया, तो ये इस बार की थीम रही है 20 मार्च की, जो गोरैया दिवस पर। गोरैया जो पक्षी आपका विलुप्त हो रहा है, पतन की तरफ जा रहा है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना इसका क्या रहा है, उद्देश्य रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की रिपोर्ट हमने बात करी, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आपका कब मनाया गया है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका स्टार्ट कब हुआ था, 2010 में इसको प्रारंभ किया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया गया था, 2010 में इसे क्या किया गया था, प्रारंभ किया था। दिल्ली का राजकीय पक्षी भी आपका कौन सा है भाई, दिल्ली का राजकीय पक्षी आपका गोरैया ही है, गोरैया राजकीय पक्षी है। कब, 2012 में इसकी घोषणा करी थी कि गोरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है, तो 2012 में इसकी घोषणा करी थी। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ रहने वाला। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम को जानते हैं, किसको जानते हैं, सलीम को जानते हैं। सलीम की कर्म भूमि भाई भरतपुर कहाँ पर, राजस्थान के अंदर रही है। और सलीम के द्वारा ही सुल्तानपुर जो झील है आपकी, उसकी स्थापना भी डॉक्टर सलीम के द्वारा की गई थी। ये भी आपका बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है भाई, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आता आपका, अभी हाल ही में दिशांक ऐप चर्चा का विषय रहा है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है दिशांक ऐप, दिशांक ऐप आपका चर्चा में रहा है, इसका संबंध कहां से भाई, क्वेश्चन नंबर 9 भाई आपका 8 ऐसा है, वो भी रहे।
दिशांक ऐप चर्चा में है, यह क्या है? दिशांक ऐप चर्चा में है, यह क्या है? सीधी सी बात नहीं, यह इसका संबंध किससे है? दिशांक ऐप इसका संबंध है, किस से रहा है? सीधी सी बात करें, देखिए दिशांक ऐप की बात करें तो सबसे पहले इसका जो संबंध है, देखिए ये ऐप जो है आपके एप्लीकेशन है, इसका संबंध भूमि रिपोर्ट से रहा है। भूमि रिपोर्ट यानी कि ये क्या करेगी एप्लीकेशन, ये भूमि का रिकॉर्ड रखेगी। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा जितने भी जो झगड़े होते हैं जमीन के ऊपर, वो बोलते हैं जड़ जोर और जमीन, जमीन जो है झगड़े की जड़ होती है भाई, इसको दुरुस्त करने के लिए, रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए कह सकते हैं केंद्र के साथ मिलकर के एक राज्य ने पहल करी है। तो भूमि का रिकॉर्ड रखेगी भाई आपका ये, यानी कि भूमि का प्रकार कह सकते हो आप, भूमि किस प्रकार की है भाई, किस प्रकार की है ये कह सकते हो। दूसरा कह सकते हो आप कि इसकी सीमा, सीमा मतलब कहां तक है भाई आपकी, ठीक है। तो ये सारा प्रकार का, और इस पर कोई केस तो नहीं है भाई, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। लड़ाई झगड़ा यानी कि जब आप जमीन खरीदते हैं तो डर यही रहता है कि कहीं इसको पहले तो नहीं बेच रखा है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको, यानी कि सभी प्रकार की जानकारी, सभी प्रकार की भूमि से संबंधित जो जानकारी है, भूमि से जो संबंधित जानकारी है, संबंधित जानकारी जानकारी इसी ऐप पर आपको मिलेंगी। और ये प्रारंभ किसने किया है, तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आता, तो कर्नाटक के द्वारा, कर्नाटक ने इसको क्या किया भाई, स्टार्ट किया है, और संयुक्त रूप से किसके साथ, केंद्र के साथ मिलकर के भी काम किया है इसने। यानी कि भूमि ऐप का संबंध की अगर हम बात करें तो कर्नाटक सरकार ने इसको क्या किया, स्टार्ट किया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कर्नाटक ने लॉन्च किया है। ये सारी बातें आपके इसके बीच में है। भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, हाँ यस भाई, यहाँ पे एक चीज और आ जाती है आपकी, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, देखिए ये इसकी भूमि, यानी कि किसी भी प्रकार की जो जानकारी आपको चाहिए भूमि से संबंधित, तो कर्नाटक सरकार ने जो दिशा एम कैप की जो लॉन्च करी है प्रोजेक्ट के तौर पर, संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट के तौर पर, कर्नाटक ने केंद्र के साथ क्या किया, संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के तौर पर इसको क्या किया, लॉन्च किया है। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। साथ ही देखिए भूमि की अगर हम बात करें तो भूमि संबंधित जो आपके अनुसूची है वो कौन सी है भाई, अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, गर्मी होगी भाई है ना, ऊपर से टीने तप रही है, चलो भाई कोई बात नहीं। अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, अनुसूची तो अनुसूची 9 है। अगर हम बात करते हैं अनुसूची इनिशियली रूप से संविधान के अंदर अनुसूची की अगर हम बात करें तो कितनी थी, 8 थी। 9वीं अनुसूची और 9, 10, 11, 12 यानी कि वर्तमान में कितनी आपकी 12 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां यहां पर जोड़ी गई हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो कितनी है, 12 अनुसूचियां यहां पर हैं। अनुसूची 9 के अंदर पहली बार भूमि सुधार, भूमि जो सुधार जो जोड़ा गया था, ये संशोधन कब हुआ था आपका, पहला संशोधन 1951 में हुआ था, ठीक है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसके अंदर। साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा शानदार आपका ये आता है कि भूमि दान करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यानी कि जो जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन किस अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची कह सकते हो, भारत का संविधान संशोधन पहला जो अमेंडमेंट ऑफ, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951। यहाँ पर बात आती है, बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिम संसद का कोई एक मुख्य काम, तो पहला काम कह सकते हो भाई अंतरिम संसद का मुख्य काम था अमेंडमेंट, पहला जो अमेंडमेंट किया था, पहला जो संशोधन किया संविधान के अंदर, वो आपका अंतरिम संसद ने किया, अंतरिम संसद द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। और अंतरिम संसद की अगर मैं बात करूं तो अंतरिम संसद जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जी वी मावलंकर भाई, मावलंकर साहब थे। और ये आपकी संविधान सभा भी कह सकते हो, संविधान सभा के रूप में जब संविधान सभा काम करती है, संविधान लिखने का काम करती थी, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके क्या थे, राजेंद्र प्रसाद आपके अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। एक और काम, इस अंतरिम संसद ने राष्ट्रपति का चुनाव किया, राष्ट्रपति का चुनाव भी किया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे उनका चुनाव भी किया, जीवी मामलंकर साहब अध्यक्ष थे भैया अध्यक्ष। जब आपकी संविधान सभा, जब आपकी संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, आपके जीवी मामलंकर साहब थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था भाई, प्रोटेम स्पीकर, देश की पहली लोकसभा जो थी उसके प्रोटेम स्पीकर, उसके प्रोटेम जो स्पीकर की बात करें, प्रो टेम जो स्पीकर है वो कौन थे, तो जीवी मामलंकर साहब इसके प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, भारत के प्रोटेम स्पीकर पहले तो जीवी मामलंकर रहे हैं। वर्तमान में कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए शानदार है।
ठीक है। तो अनुसूची की बात करिए, अनुसूची भूमि सुधार की बात करिए, भूमि से संबंधित सारा रिकॉर्ड आपका दिशांक है, कर्नाटक के द्वारा इस सब को लॉन्च किया गया है संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट के तौर पे, ये कर्नाटक और केंद्र के साथ मिलकर के काम करेगी। भूमि का प्रकार, भूमि कितनी है, भूमि पर कोई झगड़ा तो नहीं है, भूमि किसके लिए यूज की गई थी या पहले भी की तो नहीं है, वो सारा का सारा डिटेल आपको दिशांक ऐप के ऊपर मिल जाएगा। यानी कि ऑल ओवर भूमि का डिजिटलाइजेशन कह सकते हैं, भूमि का डिजिटलाइजेशन कह सकते हैं आप, जेसन भूमि का डिजिटलाइजेशन ऑल ओवर रूप से आप इसको कह सकते हैं। तो ये भी आपका इसी दिशांक ऐप के द्वारा किया गया, जो कि शानदार आपका क्वेश्चन रहा है भाई, ठीक है। चलिए अभी कैरोलिना आपकी मिस वर्ल्ड आपकी बनी है, चलो इसको छोड़ दे, इस क्वेश्चन को फिर देखेंगे। यहाँ पर बार बार मेरी तरफ इशारा किया जा रहा है आपका, चलो एक क्वेश्चन तो मैं करवा ही देता हूँ आपको, ठीक है। किस देश ने अभी हाल ही में, किस देश ने, क्वेश्चन नंबर 9 भैया आपका, क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया है या कहां किया गया है? तो महात्मा गांधी किसने, महात्मा गांधी ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल का अनावरण किया, कहां पर किया गया है, किसने? तो मेडागास्कर के अंदर भी, मेडागास्कर के अंदर ये हुआ है। और ये आपका मेडागास्कर के अंदर कहां पर किसने किया, तो मेडागास्कर के अंदर इनका ये महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। तो साथ ही कैसे, किसके 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता जो दिवस मना रहे हैं हम, कौन सा 75वां जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस आपका, और ये कौन सा आपका आजादी के अमृत महोत्सव पर, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसमें हम 4,000 से ज्यादा कार्यक्रम को इसके अंदर हम शामिल कर रखा है। तो अभी मेडागास्कर ने ग्रीन ट्रायंगल जो अनावरण किया गया है महात्मा गांधी के नाम पर, तो ये भी बड़ा शानदार आपका क्वेश्चन है बन जाएगा। महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं, तो महात्मा गांधी पैसे से क्या थे, आपके वकील थे, वकील की बात करें पैसे थे। और दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण जो अफ्रीका है आपका, अफ्रीका के अंदर इन्होंने भारतीयों के साथ और दक्षिण अफ्रीकियों के साथ जो भेदभाव देखा, उससे कुंद होकर के आपके आए। और जैसे ये भारत के अंदर पहुंचे, 15 वर्ष बाद ये भारत में आए थे, 15 वर्ष तक सुनने में आया भाई यहीं रहे हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जिस दिन आए थे, 9 जनवरी को आपका अप्रवासी दिवस मनाया जाता है, अप्रवासी जो दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि, राष्ट्रपिता की जो उपाधि है, राष्ट्रपिता की जो उपाधि किसने दी, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहां से, रंगून रेडियो प्रसारण से उन्होंने क्या दिए, ये इनको उपाधि प्रदान करी थी। साथ ही बात करते हैं इनकी, नथुराम गोडसे ने क्या किया, गोडसे ने इनकी हत्या कर दी। और नथुराम गोडसे को कहां पर, अंबाला, हरियाणा की सबसे बड़ी जेल कौन सी आपकी, अंबाला के अंदर क्या हुआ भाई, इनकी फांसी दे दी गई, किसको, नथुराम गोडसे को। और इनके महात्मा गांधी की जो हत्या करी गई या गोली डाली गई इन पर, तो बिड़ला हाउस कह सकते हैं या बिड़ला मंदिर, जो भी आप समझे, बिड़ला हाउस के अंदर इनकी गोली मार करके क्या कर दी है, हत्या कर दी है। ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आज की क्लास यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। उज्ज्वल परिवार इसी तरीके से आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के आता रहेगा और आप लोगों के बीच में कंटेंट जो बेहतरीन कंटेंट है वो डिलीवर करते रहेंगे। दोस्तों जाग जाओ, ये सीजन तो ऐसे चलते रहेंगे, आज लावणी है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, उसके बाद गर्मी आ जाएंगी, फिर बरसात आ जाएंगे, लेकिन पेपर आएगा, तब आएगा ही आएगा, नहीं रुकेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। क्लास को शेयर करना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जितना एज पर पॉसिबल हो सकता है क्लास को शेयर करेंगे, यही मेरी आप लोगों से क्या है, विनती है। थैंक यू भाई।